नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम कक्षा 9 में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की पिछली भाग एक उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी जो काव्यखंड है, काव्यखंड का 12वां अध्याय माखनलाल चतुर्वेदी, इनके द्वारा जो रचित रचना है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, कैदी और कोकिला, कैदी और कोयल। तो इसमें भाग 2 तक हमने अध्ययन किया है, जिसमें कैदियों के साथ में किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण अत्याचार कैदियों के ऊपर किए जा रहे हैं, किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है और उनको भूखा रखा जाता है, भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता और अधिक से अधिक जो काम है वो करवाया जाता है, पत्थर तोड़वाए जाते हैं, कुएं से पानी निकलवाया जाता है, कोल्हू जो है वो चलवाया जाता है। तो हर प्रकार से जो है जो क्रांतिकारी थे तो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं अंग्रेजी शासन द्वारा। तो उसी कड़ी के अंदर हम आगे पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कवि जो है कोयल से वार्तालाप करता है और उस समय की जो यातना में जो जीवन था कारागार में रहते हुए कैदी के रूप में कवि का, तो उसी को ही इसमें चरितार्थ किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा हर प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अंग्रेजी जो सैनिक हैं उनके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार जो है उस समय के जो क्रांतिकारी जो कैदी थे उनके साथ में किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जो कविता है उसका एक अंश लेकर आगे बढ़ते हैं हम भाग 3 में। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब देखिए कवि कोयल के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि कवि जो कैद में था, कैदी था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण से अंग्रेजों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। तो एक रात को जब कोयल बोल रही है तो कोयल से वार्तालाप करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ, अर्थात कोई भी आशा की जो किरण है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी भाव को रक्षित करते हुए कवि कहते हैं काली तू, कि तू भी काली है, कोयल का रंग भी काला ही होता है, आपने देखी होगी है ना। तो कोयल को कहते हैं कि तू भी काली है, रजनी भी काली, रजनी मतलब रात, जो रात्रि है, जो रात है, तो वह भी काली है, क्योंकि रात के समय कोयल बोल रही थी। तो इसलिए कहा है कि तू भी काली है और रात भी काली है, रात भी अंधकारपूर्ण है, शासन की करनी भी काली है। और ये शासन जो दे रखा है इसने तो ये अंग्रेजी सत्ता के लिए बताए गए, अंग्रेजी सरकार के लिए बताए गए कि अंग्रेजी जो सत्ता है वह भी उसकी करनी, करनी मतलब उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वे भी काले हैं, काले मतलब कि दुष्टतापूर्ण है, क्रूरतापूर्ण है। काली लहर काली, कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। और कवि कहते हैं कि हर तरफ काली लहर ही दौड़ रही है, अर्थात किसी के मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, बुरे विचार ही आ रहे हैं, और कल्पना काली, और कल्पनाएं जो आ रही हैं वो भी इसी प्रकार से काली अर्थात दुष्टतापूर्ण ही आ रही हैं कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। मेरी काल कोठरी काली, अब कवि कहते हैं कि जो मेरी काल कोठरी जिसमें हमें बंद किया गया है तो वह भी काली ही है। अब काली क्यों है, अब काली इसलिए क्योंकि वहां पे प्रकाश जो है वो नहीं पहुंच पाता है, अंधकार ही अंधकार रहता है उस जगह, तो इसी कारण से उसकी काल कोठरी है कवि की वह भी काली ही है। इसी को इसमें चरितार्थ किया गया कि मेरी काल कोठरी काली, कि मेरी जो काल कोठरी जिसमें मुझे कैद किया गया है वह भी काली ही है। मेरी लोह श्रृंखला काली, अब लोह श्रृंखला, ये जो लोह श्रृंखला है यानी कि श्रृंखला का मतलब जंजीर होता है, चैन होता है, तो लोहे की जो जंजीर है, जो लोहे की कड़ियां हैं ना, जो हथकड़ियां वगैरह डाली गई हैं, तो वे भी काली ही हैं, क्योंकि लोहे को अपने देखते हैं उसका जो रंग है वो काला रहता है थोड़ा। तो कवि कहता है कि मेरे जो लोहे की कड़ियां, जो जंजीरें हैं, जो हथकड़ियां हैं, वे भी काली हैं, यानी कि हर प्रकार से काले का संबंध बता रहे हैं कवि। पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। और व्याली मतलब व्याल, सर्प को कहते हैं व्याली, स्त्रीलिंग में आ गई है तो सर्पणी के लिए प्रयोग किया गया है। अब पहरे की हुंकृति, अब पहरेदार जो वहां के जो पहरेदार हैं वे हुंकार करते हैं, जब वे बोलते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे सर्पणी जो चल रही हो उनकी वाणी में, सर्पणी जैसा दंश मारने वाला जो भाव है वो दिखाई देता है। तिस पर है गाली ए आली, हे सखी,
अब देखिए आली मैंने पहले भी आपको बताया था सखी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कोयल को सखी के रूप में कह रहे हैं कि हे सखी देखो उस पर भी वे गाली देते हैं। कौन देते हैं? पहरेदार जो है, जो अंग्रेजी पहरेदार है, वे गालियां दे रहे हैं। एक तो वो ढंग से बोलते नहीं है, है ना, और जब भी बोलते हैं अगर कुछ उनको कहा जाता है तो वे गाली देते हैं। उसमें इस काले संकट सागर पर मरने की मतमाती कि हे कोयल तो इस काले जो संकट रूपी सागर के ऊपर कि हमारे जो ऊपर जो संकट आया हुआ है, ऐसे सागर जिसको पार नहीं किया जा सकता, हर तरफ हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, चारों ओर संकट ही संकट है, तो हमारे संकट के ऊपर तो मरने के लिए क्यों उतावली हो रही है। अब इसमें आगे एक भाव और बताया गया, कभी कहते हैं कि हम जो मदमस्तक गुण गीत गा रहे हैं क्या तुम उसे सुनने के लिए यहाँ पे आई हो? कोकिल बोलो तो कि हे कोयल बोलो कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। अब देखिए इसमें कभी कहता है चमकीले गीतों को, अब क्योंकि कोई भी गीत ऐसे नहीं कि चमक रहे हैं, बल्कि उसके जो भाव हैं तो उसको बताया कि किस प्रकार से ओजपूर्ण जो गीत हैं कि तुम अपने अच्छे जो गीत हैं, मधुर जो गीत हैं, उनको इस कारागार के चारों ओर क्यों फैला रही हो, जिसमें कि वीरता और ओजगुण जो है, ऐसे जो भाव है वो भरे हुए जो गीत है यहाँ पे क्यों तैरा रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो कि तुम किस कारण से यहाँ पे आई हो और ऐसे जो भाव है वो हमारे अंदर जगा रही हो, ओजगुण से संबंधित जो भाव है, वीरता से संबंधित भाव है तुम जगा रही हो और चारों ओर ऐसे जो गीत है तुम फैला रही हो। तो इस प्रकार से कवि ने हर जो चीज है, जो हर एक चीज जो है उसको काली से जोड़ दिया है। देखिए हर किसी में काली शब्द जो प्रयोग किया गया, काली है ना, तो इस प्रकार से हर तरफ कवि को जो है कालापन ही दिखाई देता है। कहीं भी कोई प्रकाश जो है, प्रकाश का मतलब कि जो उम्मीद आशा जो है, आशा की किरण जो है वो दिखाई नहीं देती। हर तरफ संकट के जो बादल है वो चारों तरफ छाए रहते हैं और हर प्रकार से जो वहां पे कैदी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको हर प्रकार से यातनाएं वहां दी जा रही हैं। और कोयल जो है, अब कवि कहते हैं कि कोयल जो उनके अंदर एक नया जो भाव है वो जगाने के लिए वहां पे आई है, तो यह भाव इसमें रक्षित किया गया है। तो आज हमने कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक वीर संबंधित यानी कि सैनिकों के लिए, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी विरह, उनकी जो जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसी को ही इसमें अभिव्यक्ति दी गई है कैदी और कोकिला के माध्यम से। तो हमने आज इसका अध्ययन किया है जिसमें हर तरफ जो है कवि को कालीमा ही कालीमा दिखाई देती है, काली ही काली जो चीजें हैं वो दिखाई देती है, कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता। और जो अंग्रेजों के पहरेदार हैं उनके द्वारा जो कैसे व्यवहार किया जा रहा है और किस प्रकार से वहां पे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको गालियां दी जा रही हैं, तो इस प्रकार के जो भाव हैं तो उनको यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो ये था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जो कविता है कैदी और कोकिला का भाग 3, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। और आगे के भाग में भी हम इनके द्वारा जो रचित रचना है कैदी और कोकिला, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।